को अच्छा लग रहा है ब्लॉग में आने, बोलते हैं अमीर मैं भी ब्लॉग में बात करूंगी। बोला हाँ करो बिंदास, बात करते रहो गाइस लोग से। और क्या एक्टिवा है मेरे सर के पास, आज मैं सर का वो क्या बोलते हैं फेस रिवील कर दूं क्या? देखो ये है मेरे योगेश सर। बिलाल पड़ा, फिर श्रीराम नगर, फिर अपना धानुबाग। ठीक है चलो फिर की पहले रखो गोप्रो बैग में। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका अमरीन तले ब्लॉग में। तो गाइस आज है मंडे की सुबह, हाँ, और सुबह के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं सुबह 6:30 बजे उठा था 6 बजे, लेकिन यार गाइस रात को ना क्या हुआ ना, लाइट चली गई थी 2 बजे के 2:30 बजे लाइट चली गई थी। मैं यहाँ का व्यू बताता हूँ आपको। हाँ तो कहाँ था मैं, 2:30 बजे लाइट चली गई थी और आई 6:30 बजे। तो मैंने सोचा यार अभी थोड़ा नाश्ता पानी कर लेता हूँ, फिर वापस से मैं 6:30 बजे उठ के नाश्ता पानी किया, फिर से सो गया। फिर मैं एक दिन बोला कि और लेट काम पर जाऊँ, तो मैं बोला चलो ठीक है जाता हूँ आराम आराम से, काम पर निकल ही जाऊँगा। तो 8 बजे करीब मैं काम पर निकलने जा रहा, निकल गया हूँ। यह सुबह सुबह का व्यू। घर पे ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बस ऐसे ही दिल नहीं बोला, और कल का संडे गए थे भाभी के इधर मिलने के लिए, मस्त खाना पीना खाया हम लोग, इन्जॉय किया अच्छे से। भाभी की इंग्लिश भी आप सबको अच्छी लग रही है, उनको भी मज़ा आ रहा है ब्लॉग में आने के लिए, उनको अच्छा लग रहा है ब्लॉग में आने, बोलते हैं अमीर मैं भी ब्लॉग में बात करूंगी। बोला हाँ करो बिंदास, बात करते रहो गाइस लोग से। और क्या उनके घर वाले भी देखते हैं ना, कमेंट पढ़ते हैं ना इसके लिए। ठीक है चलो गाइस आपको डायरेक्ट मिलता हूँ रेलवे ट्रैक पर, तब तक के लिए बाय। लोग ना कसम से यार वाट लगा दिए। ब्रेक भी नहीं लग रहा था बराबर से। इधर ना ज्यादातर पब्लिक ना बस के लिए भी खड़े रहती है। हाँ क्या देखो पीछे मेरे सब बस के लिए खड़े हैं, लेकिन बस वाला कितना रुपया लेता है? 15 रुपए लेता बस वाला। मैं टोटल 4 स्टॉप वो करता हूँ, क्रॉस करता हूँ। सबसे पहला संतोष भवन, फिर बिलाल पड़ा, फिर श्रीराम नगर, फिर अपना धानुबाग। ठीक है चलो फिर की पहले रखो गोप्रो बैग में। अभी उतरा नहीं थी, मेन मेरे को कब्रस्तान का चालान बहुत भारी पड़ता है, वहां मैं उतर के चलता हूं। तो गाइस मैं आ गया हूं फाइनली चालान की तरफ। ये देखो यही है कब्रस्तान का मेन चालान, यहां साइकिल नहीं चलती है, उतरना पड़ता है। अगर चला लिए पटेली में तो बाद में हालत खराब हो जाने वाली है एकदम। यहाँ पर जितने भी साइकिल वाले सब उतर के ही चलते हैं क्योंकि यार नहीं होता हालत। मैं तो पहले दिन तो मैंने छड़ा लिया एकदम वो करके, क्या बोलते हैं इसका, हिम्मत करके छड़ा लिया। लेकिन मैंने बोला कि रोज मेरे को आना जाना है यहाँ से, तो मैं काई के लिए इतना मेहनत करूं,
उतर के ही चलता हूँ। और आगे है कब्रिस्तान, तो मैं आपको बताता हूँ कब्रिस्तान और मरहूमिन मनमाद के लिए दुआ करेंगे हम लोग। तो मैं आ गया हूँ कब्रिस्तान की तरफ, ये मतलब जीजस लोग का, और उसके बाजू में ही है अपना मुस्लिम कब्रिस्तान, देखो सामने है और ये है। तो चलो दुआ करता हूँ, फिर आप सबको मिलता हूँ डायरेक्ट रेलवे ट्रैक पर। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो जैसा कि मैं आ गया हूँ स्टेशन की तरफ, हाँ देखते हैं अभी कौन सी मिलती है। 8:20 तो हो रहा है और मैं निकला था कुछ 7:40 को, 7:45 को निकला था। मेरे को आते आते आधा घंटा चला जाता है उधर पे आने के लिए। ठीक है, पता था आपको भीड़ भाड़ बता था, मंडे की भीड़ भाड़। जैसा कि हर बार की तरह रिटर्न मार के ही जाना होगा, बहुत भीड़ है, फट्टे भीड़ है। चलो बताता आपको भीड़ भाड़ बताता, वो तरह सोचा था जाऊँगा लेकिन डर लगता है बाबा बहुत उधर से। भीड़ भाड़ दिखाना, हाँ क्या देखो पूरा कोने तक का, पूरा इतना एंड तक का है। और वहाँ से चर्चगेट पास आ रही है लेकिन यार बहुत मुश्किल है पकड़ना। और देखो ये तरफ से सब आके पकड़ते हैं, देख रहे इस तरफ से, क्योंकि वहाँ चढ़ने नहीं मिलेगा ना, इसके लिए इस तरफ आते हैं। तो गाइस मैं आराम से बैठ गया हूँ यहाँ पर, आराम बाइक भी रखा है यहाँ पर, कई बार तो कम है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है ना। ठीक है गाइस, तो आप सबको मिलते डायरेक्ट इधर मिलेंगे, डायरेक्ट मिलते हैं ऑफिस में। इतना बड़ा कैमरा आता था वो महंगा आ रहा था। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अंधेरी स्टेशन की तरफ, अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप। बहुत मजा आया, बहुत साइड में आराम से खड़े लेके आया, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं था। जगह दिखाऊँ क्राउड, देखो बस स्टॉप की लाइन बताओ क्या, भीड़ भाड़ बताओ आपको, ये देखो। और यहाँ पर भी मैं तो 242 में खड़ा हूँ यार, बहुत भीड़ भाड़ है गाइस, अरे बाप रे बाप, 9 के बाद आते ना फिल्म बन जाती है। चलो फिर आइए डायरेक्ट बस में। फाइनली हमारी बस आ गई, कितना टाइम लगा मैं आपको बताता हूँ, 242 को पूरा आधा घंटा लग गया है, ज़्यादा लगा हो रहा है क्या, कब ये चढ़ेंगे सब लोग। जितना मैं ट्रेन में खड़े खड़े नहीं थका ना, उतना तो यहाँ पर खड़े खड़े थक गया। फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ अपने ऑफिस की तरफ में। हाँ एक लड़की इतना इतरा रही थी बस के अंदर, उसका कोई जवाब नहीं है, बोल रही थी क्या, सामने बैठी है, यहाँ से दिख रही है लेकिन आपको दिखेगी नहीं। अरे वो पिंक कलर का ड्रेस पहनी, पिंक कलर का, पिंक पैंथर, क्या बोल रही है मालूम, वो कचरे के इधर से गाड़ी गई ना तो बोलते रहे क्या बात आ रही है यार। अब मैं उसका मुंह देख रहा हूँ और एक उसके बाजू में लड़का बैठा हुआ है, तो रुक गई बस, तो बोलता रहे क्या गर्म हो रहा है यार, शिट यार ऐसा वैसे, इतना लोग इतरा रहे थे ना इसका, मैं क्या बताऊँ अभी। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा ऑफिस आ गया है तो फिर मैं डायरेक्ट आप सबको मिलता हूँ ऑफिस में, तब तक के बाय बाय गाइस। तो गाइस जैसा कि मैं ऑफिस आ गया, आने के बाद मैं कपड़ा चेंज करना, यहाँ पर अमन का चालू है खाँचा मारने वाला, तो मैं जा रहा हूँ चाय बना रहे, देखता हूँ चाय रहेगी तो चाय नाश्ता करूँगा, तो आप सबको मिलने वाला है खाने के टाइम पे, तो आप सब ऐसे मुझे देखते रहना, मिलते रहना और मोहब्बत। तो गाइस जैसा कि रात के बज रहे हैं, सॉरी शाम के बज रहे हैं 7:42 और मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो लेकिन आज मैं बस से नहीं जाऊँगा, आज मैं जा रहा हूँ मेरे योगेश सर के साथ, क्योंकि वो भी निकल रहे तो बोले चल मैं तेरे को अंधेरी छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक्टिवा है मेरे सर के पास, आज मैं सर का वो क्या बोलते हैं फेस रिवील कर दूं क्या, देखो ये है मेरे योगेश सर, दिख रहा कि नहीं दिख रहा फेस नहीं करूँगा रिवील, ये नहीं करना चाहते अपना। चलो सर, अरे माँ की
तो चलो गाइस डायरेक्ट आप सबको आंधेरी स्टेशन पे। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ आंधेरी स्टेशन की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलता हूँ रेलवे ट्रैक पर। और मेरे सर निकल गए हैं मेरे को छोड़ के यहाँ पर, क्योंकि वो निकल रहे थे अपने घर के लिए, तो बोले चल तेरे को मैं छोड़ देता हूँ अंधेरी स्टेशन के लिए। लेकिन ये रास्ते में मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये वाला रास्ता तो चलो गाइस फटाफट मैं जाता हूँ पहले अंदर, फिर आप सबको मिलता हूँ। ये है हमारी वसई के पास, देखते अगर जगह मिल गई तो इसमें बैठ जाऊँगा, नहीं तो मैं फिर विरार की फास्ट में चला जाऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो फाइनली मैं आ गया हूँ नाला सुपारा स्टेशन की तरफ, अब जाऊँगा साइकिल की तरफ। तो चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलता हूँ घर पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। क्या क्या ना वसई की पकड़ लिया था, फिर वसई उतरा, फिर नाला सुपारा की पकड़ लिया, हो गया पहुँच गया कुन। 9:24 हो रहा है, अब ये चढ़ेंगे यहाँ से उधर क्रॉस करेंगे, मेरी साइकिल उधर खड़ी है। ठीक है तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं अपने घर पे आ गया, और आने के बाद मैं अभी फ्रेश होऊंगा। देखा तो बच्चे लोग सो रहे हैं, नजमा भी सो रही है, तो मैं फ्रेश होता हूँ फिर खाना खाता हूँ। और आज नजमा ने खाने में बनाई है दाल चावल और चने की भाजी, आप सबसे मैं शेयर करता हूँ। ये देखो चने की भाजी और दाल चावल मुझे। तो चलो फिर फ्रेश होता हूँ फिर खाना पीना खाऊँगा, तो आप सबको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना ठीक है, और हमको ऐसे सपोर्ट करते रहो, हमको ऐसे प्यार करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। ओ चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और क्या।